हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज साकिब और आप देख रहे हैं साकिब टेक। आज के इस वीडियो में आपको H96 मैक्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं, यानी कि अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू बताने जा रहे हैं, जो कि ये मेरे पास है। दुनिया भर के चैनल्स आप देखना चाहते हैं, जस्ट नाम लिखिए और चैनल आपके सामने हाजिर हो जाएगा। और इसके अलावा गेमिंग परफॉर्मेंस के हवाले से बात की जाए तो दुनिया भर की जितनी भी हैवी तरीन गेम्स है, अगर आप इस पर खेलना चाहते हैं, यानी कि H96 मैक्स पर खेलना चाहते हैं, अपनी LED टीवी पर खेलना चाहते हैं, या फिर आपके पास जो भी टीवी है, नॉर्मल टीवी है, खेलना चाहते हैं तो आप खेल सकते हैं। और इसके बाद 4K रेजोल्यूशन के हवाले से अगर बात की जाए तो जितनी भी LED TV, LCD TV हैं तो वहाँ पर 4K रेजोल्यूशन वाली TV हैं, सबको सपोर्ट करने वाला है ये H96 मैक्स। और इंशाल्लाह ताला आपको ये बहुत पसंद आने वाला है। दुनिया भर के फ्री में चैनल्स आप देख सकते हैं, जिस चैनल का नाम लिखेंगे वो चैनल आपके पास हाजिर हो जाएगा। और इसके साथ साथ बात करते हैं अनबॉक्सिंग के हवाले से, तो सबसे पहले मैं इसकी अनबॉक्सिंग आपको करके दिखाता हूँ, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और इसके बाद जो है अपनी LED TV पर इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस, और इसके साथ साथ आपको इसके जितने भी फीचर्स हैं, अंदर फंक्शंस हैं, YouTube भी प्ले होती है, इंटरनेट भी प्ले होता है, यानी कि आपके TV को ये मोबाइल बनाने वाला है, तो आप एंड्रॉयड TV इसी वजह से कहा जाता है, तो आप जो है इसके थ्रू सब कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू की तरफ लेकर चलता हूँ, इसके बाद मज़ीद बात करते हैं। अगेन अस्सलाम वालेकुम, तो सबसे पहले बात करते हैं एंड्रॉयड TV बॉक्स के हवाले से, H96 मैक्स के हवाले से, एंड्रॉयड HD TV बॉक्स के हवाले से। तो सबसे पहले इसे अनबॉक्स करते हैं और इसके बाद इसकी स्पेसिफिकेशन, फीचर्स वगैरह सब कुछ आपको बताने वाले हैं। और मैंने पहले से भी अनबॉक्स कर रखा है, बेसिकली आप जानते ही हैं कि मुझसे सब्र तो होता नहीं है। और सबसे पहले इसे अनबॉक्स करते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। और सबसे पहले हमें देखने को मिलती है इसकी मैनुअल बुक, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, जो भी डिटेल्स वगैरह है इसकी, किस तरह से इसे इंस्टॉल करना है, प्लग इन करना है अपने LED TV के साथ। और इसके बाद आपको देखने को मिलता है ये हमारी डिवाइस है, जो कि बहुत उम्दा है, इसके भी फीचर्स आपको दिखाने वाले हैं। ये है H96 मैक्स 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन के साथ आपको मिलने वाला है। और इसके साथ साथ इसे फिलहाल मैं रखता हूँ, इसकी बाकी फीचर्स, इसकी बाकी स्पेसिफिकेशन वगैरह आपको बाद में बताते हैं। तो सबसे पहले इसे ओपन करते हैं, मज़ीद देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ है, क्या चीज़ मौजूद है। तो सबसे पहले इसे ओपन करते हैं और सबसे पहले हमें रिमोट देखने को मिलता है, चेक कर सकते हैं इसका रिमोट कितना ब्यूटीफुल है। सबसे पहले जल्दी जल्दी रख देते हैं और इसके बाद मैंने पहले से इन्हें ओपन कर रखा था। ये हमारे पास अडाप्टर है, अगर आप मंगवाते हैं तो आप चॉइस भी आपके पास होती है, 2-पिन अडाप्टर मंगवाना चाहते हैं, 3-पिन अडाप्टर मंगवाना चाहते हैं। और इसके बाद फाइनली हमारे पास HDMI केबल है, जो कि आपके सामने है। और इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है। और सबसे पहले मैं बॉक्स को साइड में रख देता हूं और इसकी कैप उतारता हूं, HDMI केबल है, और ये कैप उतार के आपने एक एंड्रॉयड TV बॉक्स में प्लग इन करना है, और इसके साथ साथ दूसरा जो है ये आपने LED TV में प्लग इन करना है। तो सबसे पहले हमारा ये है, जो आप देख सकते हैं स्मार्ट है, H96 मैक्स 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन के साथ आपको मिलने वाला है। इसके बैक साइड पे जाते हैं तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं ये क्या चीज़ है, ये हमारा AV है, यानी कि आप भी इसके थ्रू भी कर सकते हैं। और इसके साथ यार ये DC है, जो कि चार्जर है, यहाँ पर आप कर सकते हैं। ये हमारा इंटरनेट है, अगर आपका वायर से आ रहा है इंटरनेट तो आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारा HDMI केबल है, जो कि हमने पहले भी आपको बताया है, यहां पर आप प्लग इन कर सकते हैं। और ये हमारा जो है माइक वगैरह के साथ साथ AV है। और इसके साथ साथ इस साइड में अगर बात की जाए तो ये हमारे जो है USB पोर्ट 2 है, USB कनेक्ट कर सकते हैं, USB पोर्ट 1 है, USB पोर्ट 1 कनेक्ट कर सकते हैं। और ये TF कार्ड है, यानी कि मेमोरी कार्ड भी आप प्लग इन कर सकते हैं, और वहां के जो भी मेमोरी कार्ड में होगा वो आप वॉच कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं इसकी लुकिंग, देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल इसकी लुकिंग है, और ये इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आने वाला है। आप फ्री में चैनल्स दुनिया भर के देखने वाले हैं इसमें, और आपके TV को इसके साथ साथ आपका मोबाइल भी बना देगा, और आगे चलकर आप देख लीजिएगा। और इसके बाद आपको चार्जर दिखा देते हैं, ये हमारा चार्जर है और आउटपुट 5V है, प्लस 2A है। और इसके साथ साथ ये हमारा जो है DC चार्जर है, जो कि हमने AC में लगाना है, और इसके बाद कन्वर्ट हो गए DC में, AC कन्वर्ट करेगा और आपके जो एंड्रॉयड TV बॉक्स है उसको चलाने में मदद देगा।
और फ्रेंड्स फाइनली हम रिमोट के हवाले से बात करते हैं। आप देख सकते हैं देखने में कितना ब्यूटीफुल इसका रिमोट है, 12 बटन पर मुश्तमिल है और पीछे बैक साइड पर इसके सेल हैं जो कि मैंने पहले से डाल रखे हैं। और इसके बाद इसकी कीमत के हवाले से बात करते हैं, $34 इसकी कीमत है, आपको banggood.com से ये आसानी के तहत मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, देखिएगा और banggood.com पर जल्दी से जल्दी जाइएगा और वहाँ पर आप कूपन कोड का इस्तेमाल करके जो है मज़ीद कीमत लेस करवा सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं टीवी की तरफ। तो फ्रेंड्स मैंने डिवाइस ऑन कर दी है, ऑन करने के बाद ये मेरे पास रिमोट है और आपको दुनिया भर के चैनल्स भी दिखाने वाला हूं और इसके साथ साथ गेमिंग परफॉर्मेंस भी बताने वाला हूं। तो देखते हैं कहां तक हमारी पहुंची है, अभी हो रही है, ओपन हो रही है, तो ये 1 से 1.30 सेकंड तक तकरीबन टाइम लेने वाली है और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा रिमोट है और इसमें कितने फीचर्स हैं और इसके साथ साथ इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस भी और दुनिया भर के टीवी चैनल्स भी और YouTube भी, इस पर YouTube भी चलने वाला है और जो भी ऐप्स है प्ले स्टोर है, आपको जस्ट मोबाइल की तरह अकाउंट डालना होता है और हर तरह की एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो चेक कर सकते हैं, ये हमारी डिवाइस ओपन हो चुकी है और अब इसे करीब से दिखाते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत उम्दा लगी होगी। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर जाइएगा, लिंक है banggood.com का, प्रेस कीजिएगा, वहां पर जाएंगे, जाने के बाद कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि मजीद कीमत लेस हो जाए और वहां से आप खरीद सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। अल्लाह हाफिज।